थैंक यू सर। सर बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन ये केंद्रीय बजट नहीं है, ये कुछ राज्यों का बजट है, क्योंकि इस बजट से महाराष्ट्र गायब है, इस बजट से तेलंगाना गायब है, हरियाणा गायब है, केरल गायब है, तमिलनाडु गायब है, पंजाब गायब है, उड़ीसा गायब है, दिल्ली गायब है। तो लगभग इस देश पश्चिम बंगाल गायब है, झारखंड गायब है। तो ऐसे बजट को हम केंद्रीय बजट, यूनियन बजट कैसे कह सकते हैं सर? बात ऐसी है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सामान्य बजट नहीं है, ये नॉन बायोलॉजिकल बजट है। दिस इज नॉन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, इस तरह से ये नॉन बायोलॉजिकल बजट है। कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, किसके लिए बनाया, उसके लाभार्थी कौन है, क्या है। लेकिन एक बात तो सही है, ये बजट जो बना है उस बजट के ऊपर लोकसभा का जो नतीजे है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। संजय जी, ये लोकसभा नतीजे से पीड़ित बजट है, ये पीड़ित बजट है। संजय जी देखोगे मेरी तरफ? हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, और मैं आपसे ही डायलॉग करूंगा। यहाँ है कौन मेरा आपके सिवा? आप ही तो है भगवान। सर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार का पैसा जनता में बांटूंगा। हमें लगा कि इस बजट में ऐसी कुछ योजना आ जाएंगी कि जो भ्रष्टाचार का पैसा 10 साल में जमा किया है ईडी के माध्यम से, वो आप सबको बांट देंगे, ऐसी कोई घोषणा आप करेंगे। लेकिन हुआ है उल्टा। जो पैसा आपने भ्रष्टाचार के माध्यम से जब्त किया था, ऐसा हमने देखा, वो वापस वही भ्रष्टाचारियों को बांट दिया। उदाहरण के तौर पर दूंगा, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल है क्या? हमारे मित्र है, हमारे मित्र है, अच्छे मित्र है। देखिए, ईडी ने उनके ऊपर कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? उनके ऊपर इल्जाम लगाया। संजय जी आपने कहा मेरी तरफ, हमें आपके तरफ भी देख रहा हूं, उधर देख रहे हो। ईडी ने, भाई चेयरमैन सर, ईडी, सीबीआई, हमारे सबके पीछे लगा दिया, उनके पीछे भी लगाया। बेचारे हमारे मित्र रहे, उनके ऊपर क्या आरोप था? दाऊद के एक साथी है इकबाल मिर्ची, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्रफुल्ल भाई ने उनकी प्रॉपर्टी खरीद ली। ईडी आ गई, ईडी ने चार्जशीट डाले, ईडी ने उनका प्रॉपर्टी जब्त किया। 180 करोड़, कम नहीं, 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की। और क्या हो गया, हमारे प्रफुल्ल भाई परेशान हो गए। ऐसे बहुत प्रफुल्ल भाई देश में है, यहाँ ही 10 है, परेशान हो गए। तो प्रफुल्ल जी ने क्या किया, यहाँ से वहाँ चले गए और 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने उनको वापस दे दी। एक अच्छी योजना है सरकार ने शुरू की, यहां से वहां चले गए दो चेयर। तो 180 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने तुरंत क्लियर कर दी और उनको दे दी। भाई हमको भी ईडी ने हमको अरेस्ट किया, हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमारा जिस घर में मैं रहता हूं वो जब्त कर लिया, बोला है हमारा घर तो दीजिए। एक सेकंड सर। संजय जी, एक सेकंड। नहीं नहीं सर, अर्थव्यवस्था से थोड़ा प्रश्न। एक सेकंड। दीज आर वेरी सीरियस चार्जेस एंड आई विल अप्रिशिएट दैट, बी फर्म ऑन योर फैक्ट्स। फैक्ट्स है ऑन रिकॉर्ड, बी फर्म ऑन योर फैक्ट्स, गो अहेड। देखो सर, हमने भी हमको भी जेल में डाला था ईडी ने, बात छोड़ दीजिए। तो मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सभी भ्रष्टाचारी इस प्रकार से बेदाग हो रहे हैं। सर क्या है इस बजट में?
इस बजट में ना किसानों के लिए कोई घोषणा है, ना बेरोजगारों के लिए कोई खास योजना है, ना युवाओं के लिए है। 50% 50% किसान आज भी कर्ज में डूबे हैं और सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसानों की हमारे महाराष्ट्र में हो रही है। सर सर हमारी भी ये मांग है, सबकी मांग है कि किसानों को उनके प्रोडक्शन को, अनाज को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। तो समर्थन मूल्य किसको मिला? सरकार ने सत्ता का समर्थन मूल्य चुकाया है और वो समर्थन मूल्य मिला है बिहार के नीतीश बाबू को, आंध्र के चंद्रा बाबू को, उनको समर्थन मूल्य जरूर मिला है, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। बराबर, समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसको मिला है? समर्थन मूल्य मिला है। सर देखिए, एक अच्छा मुद्दा राजीव जी आपने जो है किया है कि बहुत से उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे हैं, बहुत से उद्योगपति, इसलिए कि इस देश में जो जहर, जो नफरती माहौल बनाया है, उसमें उद्योगपति भारत में नहीं रहना चाहते, वो विदेश में जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में भारत से हजारों उद्योगपति देश छोड़कर चले गए हैं। प्लीज राउंड अप, राउंड अप। अमेरिका में, और वहां जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 6 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में हुए हमारे लोगों की तरफ से, और वहां 5 लाख रोजगार हमारे लोगों ने वहां दिया है। सर थैंक यू मिस्टर संजय राउत। सर मैं आपके तरफ देखकर बोल रहा हूँ। नहीं, यू आर हेड ऑफ टाइम सर, टाइम इज क्रॉस्ड। सर तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये जो नॉन बायोलॉजिकल बजट है, मिस्टर राउत लास्ट वन मिनट। हाँ सर, आपने राउंड अप आपने 4 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, लेकिन 10 साल में आप 20 करोड़ नौकरियां देने वाले थे। 20 करोड़ कहाँ गई नौकरी? इस देश में बहुत से ऐसे राज्य, मुंबई सबसे ज़्यादा टैक्स देती है हिंदुस्तान को। मुंबई 3 लाख करोड़ सालाना टैक्स देती है, जीएसटी देती है, लेकिन मुंबई के लिए इस बजट में एक पैसे का आपने कोई प्रावधान नहीं किया है, कोई नहीं किया है। 100 स्मार्ट सिटीज बनाने वाले थे, कहाँ गई स्मार्ट सिटीज? लेकिन मुझे आनंद है कि आपने अमरावती के लिए कितना 15,000 करोड़ दिया है। नहीं, भाई साहब नहीं, मुंबई कराड़ साहब की बात करता हूँ। मुंबई धारावी जैसे हमारी एक प्रकल्प, बात छोड़ दीजिए, इस देश के कौन से शहर के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है ये आप बताइए। मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, देश का पेट पालता है, फिर भी आजकल क्या एक नया ट्रेंड है, सब कुछ उठाओ मुंबई से और गुजरात में लेके, सब कुछ उठाओ और गुजरात में लेके जाइए। श्री संजय कुमार झा, श्री अच्छा संजय राव जी, धन्यवाद। एक सभापति महोदय, मिस्टर राउत मैंने आपको मिस्टर तिवारी कांग्रेचुलेट हिम लेटर ऑन, बिकॉज एवरी टाइम यू कांग्रेचुलेट समथिंग आई फाइंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ निचोड़ भी पता नहीं। संजय जी, आई गेव यू 60% मोर टाइम। धन्यवाद संजय कुमार झा। धन्यवाद सभापति महोदय। प्लीज महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को एक वन सेकेंड। व्हाट इज दिस? प्रियंका, फर्स्ट यू आर नॉट ऑन योर सीट। गो टू योर सीट फर्स्ट। नथिंग विल गोन, गो टू योर सीट फर्स्ट। आई नो इट विल टेक टाइम बिफोर यू कम टू दिस सीट।
सुनो सुनो सुनो, अरे कोलोकेशन है, आई लुक इनटू इट, आई लुक इनटू, बोलने दीजिए, आई लुक इनटू इट, कैसे बोलूं, नो नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। अच्छा एक चीज है, अच्छा जी सुनिए, संजय कुमार झा, वन सेकेंड, वन नो वन सेकेंड, संजय कुमार झा माननीय सभापति, यह संजय सिंह है, सुनिए, यह संजय सिंह है, वो संजय राउत है, संजय का बोलबाला है, प्रोसीड नाउ, गो अहेड, प्लीज मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर, डोंट फोर्स मी, ऑर्डर इन द हाउस, मिस्टर